नवरात्र में माँ आदिशक्ति के चमत्कार। पहले दिन माता शैलपुत्री का होता है पूजन। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो। आज हम बात करेंगे नवरात्र पर। नवरात्र में आदिशक्ति माँ विध्वंसिनी के नौ रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन जहाँ हिमाचल की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में माँ का पूजन करने का विधान है, तो वहीं दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन किया जाता है। प्रत्येक प्राणी को सही मार्ग पर प्रेरित करने वाली माँ का ये स्वरूप बड़ा दिव्य है। माता सफेद वस्त्र धारण कर एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला लिए हुए सभी के लिए आराधनीय है। विंध्य और माँ गंगा की तट पर विराजमान माँ विध्वंसिनी ब्रह्मचारिणी के रूप में सभी भक्तों को कष्ट दूर करती हैं। देखिए हमारे संवाददाता राजकुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट। अनादिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्यांचल में विंध्य पर्वत और पवन पावनी माँ भागीरथी के संगम तट पर विराजमान माँ विध्वंसिनी का दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन और अर्चना की जाती है। विंध्य क्षेत्र में माँ की विंदुसिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भी भक्तों को कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। माँ का दूसरा रूप शक्ति विग्रह ब्रह्मचारिणी या तपस्विनी अर्थात तप की आचरण करने वाला है। शत चित आनंदमय ब्रह्म और प्राप्ति के लिए माँ के दूसरे स्वरूप का उद्देश्य एक सौभाव्य है। उनकी आभा पूर्ण चंद्रमा के समान निर्मल और कंतिम में है। इनकी शक्ति का स्थान स्वस्थान चक्र में है। प्रत्येक प्राणी को सदमार्ग पर प्रेरित करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी सभी के लिए आराध्य है। नौ दिनों में माँ सभी भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। इस गृहस्थ जीवन में जिस जिस वस्तुओं की जरूरत प्राणी को होती है वो सभी प्रदान करती हैं। माँ की सविधि पूजा अर्चना कर उन्हें आज पंचामृत का भोग लगाने से प्रसन्न हो जाती हैं और जप करने वाले भक्तों को सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। माता दर्शन करने के लिए भक्तों को तांता लगा रहता है। आदिशक्ति माँ विध्वंसिनी के दर्शन के लिए भक्त पिछले कई सालों से आते रहते हैं। दूर दराज से आने वाले बहुत से भक्त नौ दिनों तक विध्वंसिनी क्षेत्र में ही निवास करते हैं और माँ की आराधना पूरे तन मन से करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर माँ उनकी सभी मुरादों को पूरा करती हैं। माँ के दरबार में आने वाले भक्त दर्शन पाकर भाव विभोर हो जाते हैं। कौड़ी रोड बनाने से धाम में जाने की व्यवस्था और दर्शन करना सुलभ और आनंदमय हो गया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता राजकुमार सिंह ने वहाँ मौजूद विद्वान आचार्य अनुपम द्विवेदी और भक्तों से भी बात की। आइए दिखाते हैं आपको। जय माँ विंध्यवासिनी। मैं अनुपम महाराज, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ विंध्यवासिनी के धाम में नवरात्र का बड़ा ही अलग महत्व है, जिसमें प्रथमम शैलपुत्री के द्वितीय ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारिणी आती, यानी माँ का ऐसा रूप जो ब्रह्म आचरण करने वाला हो, जो सदैव तत्पर एवं सदैव दिव्य स्वरूप में हो। ये माँ का अद्भुत स्वरूप है, जिसमें दो भुजाएं हैं, एक हाथ में माँ कमंडल, दूसरे में माला लेकर के विचरण कर रही है। इसमें माँ भगवती विचरण अर्थात यात्रा करती है और उस परमपिता परमेश्वर जो ब्रह्म का स्वरूप धारण किया है, उसी तरह भगवती का ही आचरण है। अर्थात ब्रह्मचारिणी स्वतः ही बहुत ऊर्जावान है। माँ ब्रह्मचारी को यदि दूसरे दिन शक्कर का भोग लगाकर और उसी शक्कर को प्रसाद के रूप में खाया जाए तो मनुष्य के अंदर आचार और विचार में परिवर्तन होगा एवं मन को कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ेगी, ब्रह्मचर्य धारण करने की सामर्थ्य बढ़ेगी एवं उस भगवती के प्रति आस्था एवं उस भगवती में अपना स्नेह भी प्राप्त होने की एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त होगी। बहुत अच्छा लग रहा है माँ के दरबार। हम बहुत साल से आ रहे हैं, हमेशा आते हैं। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा परिवर्तन। पहले गली छोटी थी, अब बड़ा हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मार्ग चौड़ा हो गया है, काफी सुविधा बढ़ गई है। बहुत धक्का मुक्की भीड़ वगैरह हाँ बहुत अच्छा कर देते हैं। समोगरा से आए हैं, कहाँ पे आई है? माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत मंदिर में माँ की शक्ति है, माँ बहुत शक्तिमान है। हाँ करती हैं। हाँ 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 दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ बहुत अच्छा हो गया है। हाँ हाँ मोदी योगी जी बहुत अच्छा कर दिए हैं, बहुत अच्छा बन गया है।
अरुण बिहारी सिंह मेरा नाम है। कहाँ आए दर्शन करने और कैसा लग रहा है आपको? हिमाचल माता के दर्शन करने में आया हूँ और आकर बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। बहुत अच्छी यहाँ की व्यवस्था भी है और उनकी मैंने कृपा और परम्पार होती है, इसलिए मैं दर्शन करने आया हूँ और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा मुझे। कॉरिडोर भी बन गया है, पहले कॉरिडोर भी बन गया है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई। अब अभी तो व्यवस्था है बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। नवरात्र में 9 दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह और सद्विचार का संचार होने लगता है। माँ के धाम में आने के बाद माँ की मनोहरी दर्शन कर भक्तों को परम शांति मिलती है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।